हरियाणा हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब अमृतपाल सिंह देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी, वह हथियारों के साथ घूम रहे थे, इतनी पुलिस के बावजूद वह फरार होने में कैसे कामयाब हुआ। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, आपके पास 80,000 पुलिसकर्मी है, वह सब क्या कर रहे थे, अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। अदालत ने इसे पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर बताया। अदालत की यह टिप्पणी खालिस्तानी नेता और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बीच आई है। पंजाब पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने शनिवार को अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके 120 समर्थकों को गिरफ्तार करने में कामयाब भी रही। हालांकि अमृतपाल सिंह ने पुलिस को चकमा दे दिया और जब जालंधर जिले में उसके काफिले को रोका गया तो वह पुलिस के जाल से बच गया। अमृतपाल सिंह, जिसे सरकार खालिस्तानी पाकिस्तान एजेंट के रूप में वर्णित करती है, उसको आखिरी बार जालंधर में शनिवार शाम मोटरसाइकिल पर तेजी से भागते हुए देखा गया था। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पंजाब सरकार अमृतपाल सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। G20 की बैठक होने के कारण पुलिस बिजी थी, लेकिन पुलिस जल्द ही अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लेगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बताया कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह पिछले कुछ सालों से पंजाब में सक्रिय है और अक्सर उसे सशस्त्र समर्थकों द्वारा एस्कॉर्ट करते देखा जाता है। वह खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरेवाले का अनुयायी होने का दावा करता है और अपने समर्थकों के बीच भिंडरेवाले 2.0 के रूप में जाना जाता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम देश के खिलाफ काम करने वाली किसी भी ताकत को नहीं बख्शेंगे। इस राज्य के लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, इसलिए राज्य में जो भी शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह कार्रवाई अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों द्वारा अपने एक सहयोगी की रिहाई के लिए तलवारों और बंदूकें लेकर एक पुलिस थाने में घुसने के एक महीने बाद हुई है। इस झड़प में 6 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के वारिस पंजाब के संस्था के लीगल एडवाइजर बठिंडा के ईमान सिंह खारा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के अवैध रूप से हिरासत में है, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की है कि पुलिस अफसरों को आदेश दिए जाए कि अमृतपाल सिंह को पेश किया जाए। अब इस मामले में 4 दिनों बाद फिर से सुनवाई होगी।